नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल डोनेट म्यूजिक में, जहां मिलता है आपको ज्ञान ही ज्ञान और मुझे मिलता है आपका प्यार और सम्मान। दोस्तों, आज मैं फिर लेके आया हूं एक बेहतरीन गाना, लता जी द्वारा गाया हुआ बेहतरीन बेहतरीन। आप सुन के बहुत खुश हो जाएंगे और मुझे लगता है कि ये हर सिंगर की ख्वाहिश होती होगी कि ये गाना गाएं। फिल्म थी हकीकत, मदन मोहन साहब जी का संगीत और कैफी आजमी जी का लिखा हुआ ये गाना खेलो ना मेरे दिल से, बेहतरीन गाना दोस्तों। और इसमें जो नोट्स यूज़ हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे नोट्स यूज़ हुए हैं। मदन मोहन साहब के जो कंपोजिशन है उनमें से एक बेहतरीन कंपोजिशन ये है। और इसमें आपको इतने वेरिएशन मिलेंगे कि आपको एक ध्यानपूर्वक ही पूरा वीडियो देखना पड़ेगा वेरिएशन समझने के लिए। और इसमें थोड़ा लय की भी इन्होंने बहुत अच्छा प्रयोग किया है, लय का अंतरे में, वो मैं आपको समझाऊंगा। पूरा गाना मैं आपको सुना के एक एक लाइन सुना के समझाऊंगा और कैसे गाना है उसको, ये भी आज मैं आपको समझाऊंगा। और हमारे चैनल पे जो पहली बार आए हैं दोस्तों, जो श्रोता हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, उनसे मेरी गुजारिश होगी कि आप पहले सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बाद में भूल जाते हैं क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग है ये गाना, आप भूल भी सकते हैं, इसलिए पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आपको और भी जो मैं गाने बनाता हूँ और भी जो ट्यूटोरियल मैं सिखाता हूँ वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। और हाँ, अच्छा लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, ठीक है। और एक अपील करना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है, कुछ आप सीखते हैं और आपकी इच्छा हो रही है कि कुछ आप अपना सहयोग दें डोनेट म्यूजिक चैनल को, तो आप दे सकते हैं। YouTube द्वारा ऐसी फैसिलिटी दी हुई है, एक थैंक्स बटन आता है आपको, जहाँ पे शेयर लाइक्स होते हैं वहाँ थैंक्स भी लिखा रहता है, आप थैंक्स जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको पेमेंट गेटवे आ जाता है, फिर आपको जो भी इच्छा हो वहाँ से आप दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, खेलो ना मेरे दिल से। दोस्तों, इस गाने का स्केल जो है, ओरिजिनल स्केल ए मेजर है। तो सा वही है आपका, ए सा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 सिक्स वाइट। सी से अगर देखेंगे तो आप ए जो है वो सिक्स वाइट आता है, ठीक है, वो आपका सा हुआ। और शुद्ध गा और पा, यानी शुद्ध गा हुआ सी शार्प और पा हो गया ई। सा दोस्तों, इसमें चारुकेशी का थोड़ा अंश दिखता है मुझे, राग चारुकेशी का, लेकिन इसमें तीव्रमा का भी अच्छा खासा प्रयोग हुआ है, स्टार्ट ही तीव्रमा से है तो आप इसको प्योर चारुकेशी नहीं बोल सकते। फिर इसमें कोमल रे का भी प्रयोग हुआ है, कोमल ग और शुद्ध ग दोनों का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों, ये फिल्मी कंपोजिशन है, इसमें ये फ्रीडम रहता है कि आप राग से बाहर कुछ भी बनाएं, बस अच्छा बनना चाहिए, कान को सुनने में अच्छा लगे, नोट्स पहचानने की कोशिश करिए, नोट्स क्या क्या लगे वो मैं आपको बताता हूं। ए ए बी सी शार्प, फिर डी शार्प, स्टार्टिंग होता है डी शार्प से गाना, ठीक है, फिर डी भी लगता है, डी ई ओके एफ और जी और ए, ये नोट्स का रूट है। तो आप नीचे भी आ सकते हैं, ए जी एफ ई डी डी शार्प सी शार्प बी ए सा रे ग म प द नि सा। लेकिन गाना जो है ऊपर की तरफ ही है, लो में बहुत कम है, ठीक है, हाई सा रे ग म प ध प, ये हाईएस्ट है, ध प म ग रे सा नी ग प। तो ये नोट्स के, आपको ये नोट्स समझ में आ गए होंगे। अब गाना जो शुरू होता है वो दोस्तों
तीव्र मा से शुरू होता है, यानी ना सा से, ना ग से, ना प से, ये जो कॉर्ड है ए का, यहाँ से शुरू नहीं होता, इसके अंदर के सुर से शुरू नहीं होता, इसके अंदर जो सा ग प है इसके अंदर से शुरू नहीं होता, म से, म यहाँ से शुरू होता है दोस्तों, खेलो ना यहाँ से, ठीक है। तो पहले मैं आपको लाइन सुनाता हूँ, फिर मैं आपको तोड़ तोड़ के नोटेशन बताऊंगा, उसकी गायकी बताऊंगा, चलिए। तो इतना समझ लीजिए आप, सा खेलो ना मेरे दिल से, तीव्र मा 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 गा गरे सारे सा। जैसा आपको दोस्तों क्लियर है, शुद्ध गा कोमल गा, तीव्र मा लग रहा है इसमें, शुद्ध धा तीव्र म, कोमल धा कोमलनी, कोमलनी कोमल से तो चारों किसी में लगता ही है, उसके अलावा इसमें तीव्र म भी प्रयोग हुआ है, कोमल ग भी प्रयोग हुआ है, और कोमल रे का भी प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। और हाँ दोस्तों, इसमें जो ताल प्रयोग हुआ है वो कहरवा प्रयोग हुआ है, कहरवा मतलब आठ मात्रे का कहरवा होता है, धागे नती नक दिन, धागे नती नक दिन, ठीक है। बट इसमें आप 1 2 3 4 1 2 3 खेलो ना, तो 3 के बाद से 4 से स्टार्ट होता है खेलो, 4-4 बीट इसको आप बोल सकते हैं, कहरवा या तो 4-4 बीट, चलिए 1 2 3 खेलो ना मेरे दिल से। तो खेलो कैसे है, मामा गा घरे सारे सा, आगे सेकंड टाइम में जब आता खेलो ना, उसमें वेरिएशन है ना पे, खेलो ना मेरे दिल से, ऐसे धागे नती नक खेलो ना मेरे दिल से, ये वेरिएशन है, कैसे, मामा घर सगा घर सारे सा, तो खेलो ना 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 कैसे है, घर सगा ना, फिर भाई मेरे दिल से घर सारे सा, ठीक है। दो बार हो गया, पहली बार में प्ले, दूसरे बार में थोड़ा हरकत के साथ ना, कैसे देखिए, खेलो ना मेरे दिल से, ये प्ले ना पे था, सेकंड टाइम खेलो ना मेरे दिल से, ओके अब आगे ओ मेरे साजना, ओ साजना, ओ साजना, ये कैसे, ओ मेरे, ये वो सारे गा, ओ मेरे, ओके साजना, ओ मेरे साजना, साजना ते सगर सा, साजना ते सगर सा सा, ठीक है। ओ साजना, ये क्या, ओ साजना सा सा नी नी, कोमली नीचे वाला, ओ साजना, ओ साजना नी नी दा पा सा, ठीक है दोस्तों, कैसे, ओ मेरे साजना, ओ साजना, ओ साजना, ओके। फिर से खेलो ना, खेलो ना इतना मामा गा, ओके। अब एक वेरिएशन है दोस्तों, देखिए खेलो ना का, देखा
खेलो ना खेलो ना नी नी सा, कितने वेरिएशन देखिए, खेलो ना खेलो ना, कैसे मामा गा नी नी सा, ठीक है। अब आगे देखिए मेरे दिल से का वेरिएशन, मेरे दिल से खेलो ना, फिर ऊपर वाला आ जाएगा, तो मेरे दिल से कैसे, मेरे दिल ये कैसे, निसारे रे सा, मेरे दिल से रेसा नी रेसा, तो पूरा कैसे हुआ, मेरे दिल से निसा रेसा रेसा नी रेसा, ओके, मेरे दिल से खेलो ना, फिर वही तीव्र वाला लास्ट का खेलो कैसे, देखिए वही है, खेलो ना मेरे दिल से मामा गा मेरे सारे सा, ठीक है दोस्तों, बस यहां पे मुकड़ा खत्म होता है दोस्तों। अब आते हैं अंतरे पे, चलिए इतना सुनते इतना सीखते, मुस्कुरा के देखते तो हो मुझे। अब दोस्तों देखिए ये ट्यून बड़ा अच्छा है दोस्तों, अब यहाँ पे लय कारी कैसे किया, देखिए लय, दादी ना धातु ना दादी ना धातु ना दादी ना धातु ना, ये पैटर्न, ये यहाँ पे एक मतलब चलता रहा 4/4 beat, ती ती वो 1 2 3 4, दादी ना धातु ना दादी ना धातु ना दादी ना धातु, ऐसे चल रहा है। इसका जो खांचा देख रहे ना वर्ड का, वो इस पैटर्न पे बनाया हुआ है और कितनी खूबसूरती से उसमें मर्ज कर दिया गया, देखिए मुस्कुरा नहीं बदल गया टेम्पो, देखिए ना लेकिन है 4/4, ठीक है, देखिए, मुस्कुरा के देखते तो हो मुझे गामा पाम, अभी मां यहां शुद्ध मैं दोस्तों, गामा पाम गरे सानी निधनी सा, मुस्कुरा के देखते तो हो मुझे, आगे गम है किस लिए निगाह में, डारा 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 डारा, ये चलन देखिए लोच कैसा है, लेकिन है वर... ये पैटर्न बज रहा है, ठीक है ना, लेकिन वर्ड का पैटर्न अलग है, गम है किस लिए निगाह में, गम कैसे, ध कोमल धा से, धनी सा मा गा गा पा गा मा, शुद्ध मा भी तीव्र मा नहीं है, ठीक है, गम है किस लिए निगाह में, आगे फिर सेम लाइन रिपीट, दोनों लाइन, मुस्कुरा के देखते तो हो मुझे अभी ये मैं ये अलग किया थोड़ा पहले से, मैं मा मा गम पा मा गा सा मा
मगसा में, ठीक है ना। गम है किस लिए निगाह में, ये मुर्की है थोड़ा। अब आगे लाइन चेंज है, वर्ड चेंज है, लेकिन धुन सेम है। मंजिल अपनी तुम अलग बसाओगे, ता 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 ता। ये बहुत मजेदार है दोस्तों, बहुत कम कंपोजर को देखता हूं इस तरह से प्रयोग करते हुए। गामा पामा गरे सानी निधा दिसा, मंजिल अपनी तुम अलग बनाओगे। आगे मुझको छोड़ दोगे राहों में, से धनी सा मगा पागमा, शुद्ध मा, ठीक है। आगे प्यार क्या, ये सारे का म पा प हाय वाला। प्यार क्या दिल लगे, प्यार क्या खेल है। अब यहां पे दो तीन स्वर बड़ा प्यारा प्यारा लगाया है, तो प्यार क्या दिल लगे, ये कैसे हुआ, प से पा धा पा ओके। उसके बाद प्यार क्या, ये कैसे हुआ, मापा मागा कोमल गा। प्यार क्या, ये हो गया मापा मागा कोमल गा। उसके बाद खेल है कोमल रे से, रे गा रे सा कोमल रे, कोमल गा कोमल रे सा, रे गे सा खेल है। अब पूरा लाइन देखिए, प्यार क्या दिल लगे, प्यार क्या खेल है। पा धा पा मा पा मा गा रे गे सा। ये नोट देखिए, और अभी तक वो खांचा वही है, तो 1 2 3 1 2 3 वाला ही, लेकिन चल रहा है 4 4 बीट। फिर खेलो ना मेरे दिल से, फिर ये पहले वाला फॉर्मेट आ जाता है, मामा गा तीव्र मा से, मामा गा गरे सरे सा, ठीक है। बस यही मुझे आपको सिखाना था, ये जो वेरिएशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आती है, वो ताल से कट जाते हैं। वो ध्यान रखना, आपको ताल से नहीं कटना है, ताल वही 4 4 का ही है, 2 3 4 1 2 3 4। प्यार क्या दिल लगे, प्यार क्या खेल है, खेलो ना मेरे दिल से, ऐसा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गई होगी, दूसरा तरह भी सेम है, बट मैं आपको एक बार सिखा देता हूँ उसको भी। क्यों नजर मिलाई थी लगाओ से, गाम पा मगरे सानी निधनी सा, क्यों नजर मिलाई थी लगाओ से। आगे हंस के दिल मेरा लिया था क्यों, ने दाने सा मागा पागमा, ठीक है। ये तो शुद्ध मा है, तीव्र मा दोस्तों सिर्फ मुखड़ा में ही यूज किया इन्होंने,
कितनी चालाकी से कितनी बेहतरीन यूज किया दोस्तों, मैं तो बहुत खुश हो जाता हूँ ये नोट सुन के। फिर भी सेम लाइन, क्यों नजर मिलाई थी लगाव से, फिर हंस के दिल मेरा लिया था क्यों, ये मुर्की ले लेंगे वहां पे, क्यों मांगा पापा मजा क्यों, ठीक है आगे, क्यों मिले थे जिंदगी के मोड़ पर, सेम नोटेशन, क्यों मिले थे जिंदगी के मोड़ पर, ये जो जिंदगी है ना वो ध्यान से गाइएगा, क्यों मिले थे, ये वा गा मा पा मा जिंदगी के मोड़, तो जिंदगी कैसे वा गारे सानी गारे जिंदगी के, तो गारे सानी मोड़ पर निर्धानी सा मोड़ पर, आगे मुझको आसरा दिया था क्यों, ये कैसे, धनी सा मगा पागमा मुझको आसरा दिया था क्यों, ओके आगे, आगे सेम पहले वाला लाइन, प्यार क्या दिल लगी प्यार क्या खेल है, सरे गम पा 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 ध पा पा ध पा म प म ग ग रे ग रे सा, ये नोटी बहुत लाजवाब है दोस्तों, शुद्ध ग से कोमल ग फिर कोमल रे, कहां से कहां आ गया, कहां चारों कैसे चला गया है ना, फिर तीव्र मध्यम से फिर अलग, खेलो ना इसके बाद फिर खेलो ना, देखिए बस वही पहले वाला ही आ जाएगा, खेलो ना मेरे दिल से ओ मेरे साजना ओ साजना ओ साजना, खेलो ना मेरे दिल से, फिर भाई खेलो ना मेरे दिल से, खेलो ना मेरे दिल से, इसका गायकी और नोटेशन पहले भी मैंने मुखड़ा में समझाया है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये गाना जो आपको भारी कभी लगता होगा आज के बाद वो हल्का लगने लगेगा अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, तो बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा, ठीक है, और कुछ समस्या हो या कुछ सवाल पूछने हैं आपको तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, आप मुझे व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं, कभी अगर मुझे समय रहा तो आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं, बात कर लूँगा, ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया, मिलते हैं अगले किसी ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो में।